हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में, यानी कि पेट के पथरी के बारे में या फिर पेशाब नली में फंसी हुई पथरी के बारे में, किसी भी तरह के स्टोन के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर अगर स्टोन होता है हमारे पेट में तो कितना एमएम तक का पथरी होता है जिससे कि हम बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है, या फिर कितना बड़ा स्टोन होता है जिससे कि ऑपरेशन करना जरूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्टोन होता क्यों है, कौन सी ऐसी गलती हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमें स्टोन हो जाता है। तो सबसे पहला रीज़न है पानी का कम पीना। हमें लगता है अपने बिजी दिनचर्या में कि हमने पानी जो है पूरा पी लिया है और हमें पानी पीने की ज़रूरत जब तक महसूस नहीं होती है हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए आप कैसे जानेंगे कि दिन में जो है आपने सही मात्रा में पानी पिया है नहीं, कम से कम 3 से 4 लीटर तक आपने पानी पिया है या नहीं, ये आप कैसे जान सकते हैं? इसके लिए आपका शरीर ही आपको बता देता है कि आपने कम पानी पिया है या ज्यादा पानी पिया है। ठीक है, इसके लिए आपको एब्जॉर्ब करना है। आपका जो पेशाब का कलर है ये बताता है कि आपने आज पानी कम पिया है या ज्यादा पिया है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो पेशाब है वो गाढ़ा पीला कलर का होता है, लेकिन अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है अगर उतना पानी पीते हैं, तो आपका जो पेशाब का कलर है वो हल्का उजला या फिर हल्का पीला कलर का हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीला कलर है या फिर जलन सा हो रहा है या पेट में, तो आप समझिए कि आपके बॉडी में जो है पानी की कमी है। पर हमें प्यास नहीं लगती है तो हम पानी नहीं पीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गलती हम लोग करते हैं। तो दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि पानी कब कब पीना चाहिए, पानी पीने का क्या इंपॉर्टेंस होता है और भी पानी से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने एमएम तक की पथरी होगी आपको, तो आप बिना ऑपरेशन के भी निकल सकता है, या फिर कितने एमएम तक की पथरी है जिसमें कि ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। अधिकतर सर्जन का कहना है कि अगर आपके पेट में या फिर किडनी में या फिर कहीं भी अगर आपका स्टोन जो है 5 एमएम से कम है या फिर 5 एमएम तक का है तो बिना ऑपरेशन का निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको उचित दवाई, सही इलाज और फिर खूब सारा पानी पीने की ज़रूरत होती है। साथ ही अगर आपका पथरी जो है 6.5 एमएम से ज़्यादा है तो ये पथरी निकालने के लिए आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जब तक ये टुकड़ों में नहीं बढ़ जाए तब तक ये नहीं निकल पाता है। कई बार जब आपके किडनी में स्टोन होता है तो वो धीरे से फिसल के जो है आपकी जो पेशाब की नली है वहाँ पे आके वो फंस जाती है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आपके किडनी से स्टोन निकल के आपके जो पेशाब की नली है अगर वहाँ पे आके फंस जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है। साथ ही अगर आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ खून भी आता है, उल्टी भी होती है और दर्द जो है बर्दाश्त नहीं होता है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जलन होती है। अगर इस टाइप का कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना या फिर पेशाब से खून का निकलना या फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। साथ ही अगर आप अपनी पथरी को घरेलू उपचार के माध्यम से निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कुछ 8 घरेलू उपचार बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।